तो गाइस तो ये कुछ आप देख सकते हो, ये कुछ है थराट का बस स्टैंड। गाइस तो जो अपनी बस से वो आ चुकी है, तो ये कुछ देख सकते हो अपनी बस, खोड़ा बॉर्डर जूनागढ़। तो अभी यहाँ पे थोड़ा खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो अभी यहाँ पे पंजाबी थाली ऑर्डर की है। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे क्योंकि थोड़ी देर के अंदर बस स्टैंड आ जाएगा। गुड इवनिंग गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, एक और नई जीएसआरटीसी की सीरीज में। तो हाँ जी गाइस, तो फिलहाल अभी मैं हूँ थराद और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं थराद टू जयपुर। तो क्या है पूरा रूट, क्या है टिकट प्राइस, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। अभी मुझे शाम के 5:30 और 6 बजे की मेरी यहाँ से बस है, डायरेक्ट है जयपुर की, जो कि स्लीपर बस है। तो गाइस तो ये कुछ आप देख सकते हो, ये कुछ है थराद का बस स्टैंड और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो अपनी गाड़ी आएगी। तो वेट करते हैं बस का, क्योंकि आधा घंटा भी और है, तो फिर चलते हैं वहाँ। गाइस तो जो अपनी बस से वो आ चुकी है, तो ये कुछ देख सकते हो अपनी बस, खोड़ा बॉर्डर जूनागढ़। ये कुछ बस का रूट है खोड़ा बॉर्डर जूनागढ़। तो चलते हैं अंदर और बैठते हैं। तो गाइस तो ये है कुछ अपनी बस और अपनी जो सीट नंबर है वो सिंगल का सोफ़ा है, और सीट नंबर एक बार देख लेता हूँ कौन सा सीट नंबर है। तो ये है कुछ अपनी सीट, तो बैग पे लाइन रख दी है और बैठते हैं। तो गाइस तो फाइनली एग्जैक्ट टाइम पे बस आई और मैं बैठ चुका हूँ सीट के अंदर। तो ये जो सीट है वो भी हर एक एसटी की तरह सेमी सीट होती है, तो भी एक बार आपको मैं फास्ट दिखा देता हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने जूते रख सकते हो, ये पानी के बोतल रखने की जगह है, और ये जो पर्दा है अपनी सेफ्टी के लिए पर्दा है, और ये कुछ लाइट का कनेक्शन दिया गया है, और नीचे ये चार्जिंग सॉकेट है, ये कुछ देख लीजिए, और ये कुछ विंडो है, और सामने आप देख लिखा हुआ है आई लव GSRTC। तो इस बस के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो बस है वो खोड़ा बॉर्डर से जाती है जूनागढ़, और जो थराद में 6 बजे यहाँ से थराद में आती है। टिकट प्राइस क्या है और क्या पूरा रूट है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल ये बस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, खोड़ा बॉर्डर से लेके जूनागढ़ की ये बस है गाइस। तो गाइस तो ये कुछ है थराद का बस स्टैंड, गुजरात राज्य महान वाहन व्यवहार निगम पालनपुर विभाग थराद बस स्टैंड। तो गाइस एग्जैक्ट टाइम पे 6 बजे निकल चुकी है अपनी बस थराद से बाहर, थराद बस स्टैंड से बाहर। क्योंकि गाइस कल की नींद पूरी नहीं हुई है, तो आज आराम से मैं सोऊंगा। तो गैस ये बस अपने निकल रही है थराद बस स्टैंड से बाहर, और थराद तो ये कुछ है गैस। तो गैस तो ये कुछ है शाम के 6 बजे का कुछ थराद का नज़ारा। तो गैस ये सामने देखो, यहाँ पे नाश्ते में आपको कचौरिया ही काफ़ी मिलेगी, कचौरिया ही नहीं मिलेगी नाश्ते में आपको, देखो समोसा और कचौरी। और ये है कुछ साख मार्केट। गैस यहाँ पे देखो ये जूस बहुत मिलता है, आम का जूस आपको 10 रुपये में 20 रुपये में आराम से अच्छा वाला जूस मिलेगा, आप आराम से पी सकते हो। सामने लिखा हुआ है संजरी जूस सेंटर, तो जूस काफ़ी मिलता है यहाँ पे। तो गैस तो ये जो जर्नी है तो टोटल मेरी है 10 घंटे की जर्नी है। शाम को 6 बजे यहाँ से निकला हूँ और सुबह आई थिंक 4 बजे हम पहुँच जाएंगे जयपुर,
और 5:30 बजे तक 5 बजे तक पहुंच जाती है होगी ये बस जूनागढ़। तो गैस ये धीरे धीरे थरात ख़त्म होने वाला है और ये कुछ थरात की लास्ट टोकरी बोल सकते हो आप इसको। और यहाँ से अभी कुछ आप देख लीजिए गाइस, तो इस बस का आपको मैं तो रूट बता देता हूँ कि ये बस कहाँ कहाँ से होके जाती है। तो ये बस थरात से जाएगी पालनपुर, पालनपुर से जाएगी डीसा, और डीसा से जाएगी अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर चोटीला, राजकोट और जयपुर। तो ये कुछ है इस बस का रूट। थोड़ा बॉर्डर से बता रहा हूँ, कूड़ा बॉर्डर से तो रूट थोड़ा चेंज होगा क्योंकि कूड़ा बॉर्डर यहाँ से थरात से भी काफ़ी आगे है। तो थरात से उन्होंने आपको बता दिया पूरा दी। एक 2x1 का कंपटीशन सामने देखते हो, तो ये डबल सेट का सोफ़ा और वे सिंगल सेट का सोफ़ा, और नीचे आप सीटिंग पे देख सकते हो, सीटिंग का प्राइस अलग होता है और सोफे का प्राइस भी अलग होता है गाइस। तो गाइस तो ये कुछ अपनी टिकट आ चुकी है, डीसा डेपो की बस है और लिखा हुआ है थरात टू जयपुर। तो ये कुछ अपनी टिकट, शाम का ब्यूटीफुल नज़ारा, एकदम मस्त व्यू आ रहा है, एकदम मस्त व्यू आ रहा है। कुछ बस स्टैंड आया है, लाखानी करके कुछ बस स्टैंड है, और धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। लाखनी है, लाखनी करके बस स्टैंड है गाइस, ऊपर थोड़ा नहीं दिख रहा है। तो गाइस तो अभी शाम के 7:15 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं डीसा। आप डीसा का सीन देख लीजिए गाइस, थोड़ी देर के अंदर डीसा का बजट भी आएगा तो उसका भी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा मैं। फिलहाल अभी ये कुछ शाम के 7 बजे का डीसा का कुछ नज़ारा। तो गाइस तो ये कुछ आप सामने देख रहे हो, वो बनास रिवर है, बनासकांठा की काफ़ी प्रसिद्ध रिवर है। तो ये कुछ आप सीन देख सकते हो, बनास रिवर का सीन। गाइस तो ये आप सामने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का दर्शन कर सकते हो, और तो इधर के अंदर डीसा का बच्चन आएगा। तो गाइस डीसा है वो किस, तो ये कुछ अपनी बस एंटर होने वाली है डीसा बस स्टैंड।
तो ये कुछ है डीसा का बस स्टैंड। आई थिंक गाइस ये बस स्टैंड नहीं, सॉरी, ये डीसा का बस स्टैंड नहीं है गाइस, ये डीसा का बस स्टैंड का वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप के अंदर गाड़ी आई है अपनी, तो ये कुछ देख लीजिए डीसा बस स्टैंड का वर्कशॉप। तो गाइस तो ये कुछ अभी आ चुका है फाइनली डीसा का बस स्टैंड, जो पहले था वो बस स्टैंड नहीं था। तो ये कुछ आप देख लीजिए डीसा का बस स्टैंड। और आप डीसा का बस स्टैंड देख लीजिए गाइस। और बारिश तो देख गाइस धीरे धीरे चालू हुई है, बंद ही नहीं हुई है जब से बैठा हूं। तो ये कुछ है अभी डीसा का। तो गाइस अभी भी बारिश चालू है आप देख सकते हो। और अभी अपनी ये बस निकल रही है डीसा बस स्टैंड से बाहर, और थोड़ी देर के अंदर 30-35 किलोमीटर के बाद आ जाएगा पालनपुर। तो डायरेक्ट मेरा वीडियो वहाँ पे चालू करूँगा, उसके बाद मेहसाणा, मेहसाणा के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद चोटीला और जयपुर। तो ये कुछ निकल चुकी है आपको बस बाहर, बस से बाहर। तो गाइस तो ये अभी कुछ आ चुका है पालनपुर, और ये उत्तर गुजरात विद कंप्लीमेंट की ऑफिस। तो गाइस अभी बच चुके हैं रात के 8:30 और पहुंच गए हैं पालनपुर। तो ये कुछ आप रात का सीन देख लीजिए पालनपुर का। देखते हैं गाइस कहाँ पे होल्ड करती है बस, भूख भी काफ़ी लगी है, खाना भी खाना है, तो देखते हैं कहाँ पे बस होल्ड करती है। तो गाइस ये हम एंटर कर चुके हैं पालनपुर के बस स्टैंड के अंदर। तो ये कुछ है पालनपुर बस स्टैंड गाइस। तो यहाँ पे आगे थोड़ा वर्ल्ड हुआ है, तो चलते हैं नीचे और नीचे जाके आपको दिखाता हूँ मैं। तो गाइस चलते हैं नीचे। और गाइस तो ये है कुछ अपना ड्राइवर साहब का कंपार्टमेंट। तो ये कुछ आप ले सकते हो पूरी सीट, और इधर सबको पेन भी मिलता है। तो ये है कुछ ड्राइवर साहब का कंपार्टमेंट। तो चलते हैं अभी नीचे। तो किसी होटल, तो अभी यहाँ पे थोड़ा खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो अभी यहाँ पे पंजाबी थाली ऑर्डर की है, तो पंजाबी थाली खाते हैं, तो इसके बाद फिर से अपनी बस के अंदर जाएंगे। तो ये रही कुछ अपनी बस, तो चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए। थोड़ा तो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट का ही टाइम है अपने पास। तो ये कुछ अपना खाना आ चुका है पंजाबी थाली में, कही 150 रुपये में। तो खाना खाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपनी बस के पास। तो गाइस तो अपना खाना है कम्प्लीट हो चुका है, तो फिर से चलते हैं अपने बस के अंदर और आराम करते हैं। जब डायरेक्ट जो मेरा वीडियो है जो अहमदाबाद आएगा, तो मैं जहाँ स्टार्ट करूँगा। तो चलते हैं फिर से बस के अंदर। और ये पीछे रखी अपनी बस। तो ये है कुछ अपनी बस, चलते हैं फिर से अपनी सीट के पास। खाना काफ़ी बढ़िया था गाइस। तो ये रही अपनी सीट। तो गाइस तो फिर से अभी मैं अपनी सीट के ऊपर बैठ चुका हूँ, तो अभी आराम करते क्योंकि अभी मेहसाणा भी नहीं आया है। मेहसाणा आने के बाद मेरा वीडियो स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद अहमदाबाद आने के बाद वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल अभी थोड़ा आराम करते हैं। तो गाइस तो अभी रात के 12:30 बज चुके और हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद। तो ये कुछ अहमदाबाद का रात का सीन।
गाइस तो ये आ चुका है इस्कॉन झोपड़ी। यहाँ से आपको सौराष्ट्र जाने की सारी बसेस मिल जाएगी, टैक्सीस मिल जाएगी सब कुछ सौराष्ट्र जाने के लिए। तो ये है कुछ इस्कॉन झोपड़ी। गाइस तो सुबह के अभी 6 बज चुके हैं और हम जयपुर पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ी देर के अंदर जयपुर का बस स्टैंड आएगा। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे क्योंकि थोड़ी देर के अंदर बस स्टैंड आ जाएगा। तो गाइस अभी चलते हैं। ओके गाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जयपुर। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवल एंड कीप।